हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है सुपर संडे, तो हम लोग चलते हैं, घूमते हैं बाग में और आपको वहाँ फसलें बोई गई हैं वहाँ का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो पता नहीं क्यों फुल वॉच नहीं करते। अगर आप लोग चित्रकूट का ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्लॉग था, पहाड़ों का ब्लॉग था, हनुमान धारा का ब्लॉग था, रामगंगा का ब्लॉग था। आप उन सभी को जाकर विजिट करके देखिए और कैसा लग रहा है वहाँ का ब्लॉग आप लोग हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज सुपर संडे में हम आपको दिखाते हैं अपने खेतों का नज़ारा, थोड़ा बहुत जो हमारे पास खेत हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो लगाया गया है, ये आलू लगाई गई है, आलू की फसल। ये अभी निकलने लगी है, 2 से 2.5 महीने बाद ये जो है पूरे तरीके से इसमें आलू आ जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े आलू हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको यहाँ से खोद कर निकाल लिया जाता है और फिर अपने यूज में हम लोग रख लेते हैं इसको। बेचने उचने तो पाते नहीं भाई, उतना ज़्यादा खेत नहीं है मेरे पास, बाकी जो है थोड़ा बहुत इसी में से हम लोग अपना काम चलाते हैं। और ये रहा, ये पालक की फसल है, आप देख सकते हैं छोटी सी जगह में पालक हम लोग बो दिए हैं अपने खाने के लिए। तो आइए हम लोग आपको दिखाते हैं कैमरा बैक करके। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये पालक की फसल है और ये पूरे में पालक बोया गया है, इतना छोटे से क्षेत्र में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब पालक है। और इधर देखिए, ये जो आलू बोई गई है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आलू की फसल है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, हमने आलू और पालक की फसल आपको दिखाई, अब हम दिखाने वाले हैं लहसुन और मूली की फसल जो छोटी सी जगह में लगाया गया है, हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये रही मूली की फसल जो ये इतनी छोटी सी जगह में हम लोग अपने खाने के लिए लगाए हैं। और आइए लहसुन आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये रहा लहसुन की फसल, आप देख सकते हैं ये भी उग चुका है पूरी तरीके से, ये देखिए। तो गाइस, ये देखिए, फिर से हम आपको आलू की फसल दिखा रहे हैं और ये बाग के बीचों बीच लगा है। तो आपको सुपर संडे का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ऐसे ही ब्लॉग चाहते हैं गांव का, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।